आज हमारे साथ है मनासा के विधायक श्री कैलाश चावला, जिनका आज जन्मदिन है। जेटीवी से आज रूबरू हो रहे हैं। चावला साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। मैं प्रारंभ से ही मंदसौर कॉलेज में जब पढ़ता था, विद्यार्थी परिषद का काम करता था, और वो काम करते करते मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बना और फिर तत्कालीन जनसंघ का कार्यकर्ता बना। और अगर राजनीति में मुझे लाने का किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा को ही श्रेय जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले मुझे कॉलेज में जब पढ़ रहा था तब से ही मंदसौर नगर का मंडल अध्यक्ष बनाया। मेरी उम्र और अनुभव के हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण पद मेरे लिए था और वही मुझे राजनीति के शीर्ष तक लेकर गए। सर, 1980 से आप राजनीति में हैं, लगातार सक्रिय रहे, विधायक बने थे। मैं सक्रिय राजनीति में तो लगभग 1971 से आ गया था, पर विधायक में पहली बार 1980 में सीतापुर से बना। 8 चुनाव आपने लड़े जिसमें से 5 जीते, 3 आप हारे। चावला साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीति का इतना लंबा सफर आपका है, कभी कोई गिल्टी आपको फील हुई कि मैं जीवन में ये काम नहीं कर पाया जो मुझे करना था, ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कोई अपेक्षा नहीं की। जो मेरे सामने काम आया वो काम मैंने करने की कोशिश की है। मैंने कोई विशेष रूप से अपने लिए कोई ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ये मिलना चाहिए, करना चाहिए। जो जो मेरे को पार्टी ने दायित्व दिया उसको मैंने निभाने की ईमानदारी से और मेहनत से कोशिश की है, इसलिए मैंने कहीं कहीं अपराध बोध से ग्रसित नहीं हूँ। इतना लंबा सफर जब राजनीति में आपका हुआ, ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, वो पल को याद आता है आपको जिसमें आप आहत हुए हो, ऐसा कोई पल राजनीति में? अक्सर हर पॉलिटिकल आदमी के जीवन में कहीं के पल ऐसे आते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति तो उतार चढ़ाव का खेल है ही है, और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता की पसंद ही आखिरी पसंद है। जनता के निर्णय को शिरोधार करना ये प्रत्येक राजनेता का कर्तव्य भी है और मजबूरी भी है। तो उतार चढ़ाव आएंगे, ये मन में रखकर ही राजनीति में आदमी को काम करना चाहिए। जीतने पर घमंड नहीं होना चाहिए और हारने पर दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आए तो मैंने उसको सहजता से लिया, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को फिर वापस राजनीति में ऊपर आने का मौका भी मिला। एक बात और एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में जो लोग काम करते हैं और बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाते हैं जिसको जनता अक्सर याद करती है, चाहे अटल जी की बात करें, प्रधानमंत्री सड़क, शिवराज जी की बात करें, लाली लक्ष्मी योजना, ऐसा कोई काम आपने मनासा विधानसभा में किया जो लंबे समय तक लोग उसका स्मरण करते रहे? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो नीति का सवाल है, और जो दूसरा आपने पूछा है मनासा विधानसभा का, वो एक विधायक के नाते स्थानीय कार्य है। तो जहाँ तक नीति का सवाल है, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने गृह मंत्री के रूप में कानून प्रशासन के लिए अच्छा काम किया जिसको लोग याद करते हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में मैंने जो काम किया है, आज भी इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे उस बारे में याद करते हैं, और आज भी कभी उनको सरकार से किसी काम की आवश्यकता होती है तो मेरी मदद लेते हैं, और उनकी बातों को मैं सरकार तक पहुंचाता भी हूं। इसी प्रकार उद्योग मित्र पॉलिसी मैंने बनाई थी जो आज तक याद की जाती है। आबकारी विभाग जब मेरे पास था तो उस समय मैंने जो आबकारी नीति बनाई, आज उससे काफ़ी राजस्व शासन को प्राप्त हो रहा है, और उसी नीति पर आज भी शासन काम कर रहा है। इसलिए ये प्रशासनिक तौर पर जो नीतियाँ मेरे द्वारा उस समय बनाई गई वो आज तक भी चल रही है, इस बात की मुझे खुशी भी है। चावला साहब, जिस तरीके से आपको जो भारी भरकम मंत्रालय आपको दिए गए थे सरकार में, चाहे 90 की बात करें चाहे 2003 की बात करें, उसके बाद पिछले टर्म में मालवा से किसी मंत्री को शिवराज जी ने नहीं लिया, तो क्या इसका प्रभाव अगले विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा? मालवा को उपेक्षित करके बुंदेलखंड और विंध्याचल से मंत्रियों को लिया गया। देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जहाँ तक मालवा का सवाल है, मंत्री लिया जाता तो अच्छी बात थी, पर यहाँ के विधायक भी इतने सक्षम है कि किसी काम, उनका कोई काम रुकता नहीं है और लगातार विकास के काम हो रहे हैं, और हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो इतने सक्रिय हैं कि हर 6 महीने में किसी भी जिला मुख्यालय पर पहुँचते हैं, समस्याएं सुनते हैं, 1-to-1 विधायकों से बात करते हैं, जो उनके विकास की बातें होती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं नहीं मानता कि आने वाले चुनाव में इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई मालवा से बनता तो इस यहाँ की जनता को खुशी होती, इस बात में दो मत नहीं है।
अब देखा जाए कि राजनीतिक मूल्यों की कीमत आज क्या लगता है आपको, राजनीति में कितनी गिरावट आ गई और गिरावट आने के पीछे वजह क्या रही है, मुख्य वजह क्या है? देखिए, ये कहना कि राजनीति में गिरावट आ गई है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। समाज में जो गिरावट आई है उसका प्रभाव राजनीति पर भी आएगा, क्योंकि राजनीति में काम करने वाले लोग भी समाज से ही आते हैं। चालू साहब, आपने संगठन में काम किया है लंबे समय तक, शीर्ष तय करता है कि अगला उम्मीदवार कौन होगा, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा को, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उसके बाद भी पार्टी के कार्यकर्ता बगावत पर उतर जाते हैं, क्या मानते हैं इसको? देखिए, राजनीति में जो अति महत्वाकांक्षा आई है उसका ये दुष्परिणाम है। आजकल लोग बहुत शॉर्टकट से शीर्ष पर पहुँचना चाहते हैं, जबकि हमारा संगठन शुरू से ऐसा रहा है कि यहाँ आदमी को वरिष्ठ लोग खुद आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ कि मैं 1980 में विधायक बना, उसके बाद 1990 में जब विधायक बना और पटवारी मुख्यमंत्री बने तो मुझे पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री उन्होंने बनाया। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस कार्यकर्ता में प्रतिभा है तो संगठन स्वयं अवसर देता है, परंतु जो समय बदला है उसमें थोड़े समय काम करने के बाद होर्डिंग लगाकर अखबारों में विज्ञापन देकर कार्यकर्ताओं को कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत लोकप्रिय हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। तो महत्वाकांक्षा के कारण ऐसी गड़बड़ें कहीं कहीं दिखलाई देती है। हम लगातार कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं। हमारे यहाँ बाकायदा प्रशिक्षण वर्ग होते हैं और उसका उद्देश्य ही रहता है कि कार्यकर्ताओं को सही दिशा दी जा सके, वो अनुशासन में रहें और पार्टी के लिए काम करें, व्यक्ति के लिए काम न करें। कभी कभी चावड़ा साहब ऐसा भी होता है, अपन देखते हैं प्रदेश में देखें, दूसरे प्रदेशों में देखें, निर्दलीय उम्मीदवार कभी जीत कर आ जाता है किसी भी वजह से, क्या वो क्षेत्र का विकास कर पाता है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि निर्दलीय उम्मीदवार क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएगा। वो जीत जाता है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। खासकर जो मुख्य कारण मैं मानता हूँ, एक तो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवारों की कहीं ना कहीं अलोकप्रियता हो सकती है। दूसरा, कई राज्यों के आसपास के जो हमारे प्रदेश में वातावरण है वो जाति से प्रभावित है, तो जातिगत वोट के आधार पर भी कई बार निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आते हैं, पर उनका कोई बहुत ज़्यादा विकास में भागीदारी नहीं हो पाती है। अगर लोकतंत्र को चलाना है तो हमें दो ध्रुवी राजनीति करना पड़ेगी, दो राजनीतिक दल ही प्रमुख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लोकतंत्र चल सकता है। अब सबका अधिकार है, कानून संविधान ने सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, कोई लड़ता है तो बहुत बुरी बात नहीं मानता मैं, परंतु अगर मुख्य दो धाराएँ रहेगी तो एक आएगी एक जाएगी और बैलेंस बना रहेगा और विकास के काम भी अच्छे होंगे। नहीं, एक और मेरा इसमें यह सवाल ये था कि निर्दलीय उम्मीदवार जैसे जीत के आता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो सरकार उस निर्दलीय को कितना सपोर्ट करती है विकास को लेकर? मेरा मुख्य सवाल यह था कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये उम्मीदवार बहुत अच्छा है, इसको अपन वोट दे दें चूंकि निर्दलीय खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में देखिए, मेरा ऐसा इस बारे में कहना है कि जो रूटीन के विकास के काम सरकार की नीतियों के अनुसार है वो तो लगभग हर क्षेत्र में होते हैं, पर विशेष देखो नहीं, सपोर्ट तो अगर अच्छा काम करेगा तो मिलेगा, पर जो एक सत्ता दल का व्यक्ति है या किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति है उसका प्रभाव निश्चित रूप से निर्दलीय से ज़्यादा होता है। चलो सब, आपका मनासा विधानसभा की बात करें, आपके कार्यकाल में किस तरीके से आपने विकास किए हैं और क्या आप चाहते हैं कि ये विकास और होना आप बहुत आवश्यक है इतना होने के बाद? देखिए, मनासा विधानसभा क्षेत्र में मैंने लगभग 10 साल तक प्रतिनिधित्व में कर रहा हूँ, एक चुनाव में जरूर यहाँ रहा हूँ, दो चुनाव में जीता हूँ, और उस कार्यकाल में कोई भी ऐसा 500 की आबादी का गांव नहीं जो मैंने सड़क से नहीं जुड़ा हो। मुख्यमंत्री सड़क योजना में 250 की आबादी के गांव हमने जोड़ दिया। जहाँ तक सिंचाई योजना का सवाल है तो गंगा बावड़ी का काम हमने शुरू किया है, चमलेश्वर को 1 फुट ऊँचा उठाने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा पगारा का डैम हमने साध्यता में लाया है, कालियाखो का डैम हम साध्यता में लाए हैं, गोपालपुरा डैम का 1.5 करोड़ की नहरों का काम हमने किया है, बेसला तालाब की बाल हमने बनाई है, तो इरिगेशन में बहुत सारे काम हमने किए हैं।
आगे भी सर्वे चल रहे हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। और एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सिंचाई में हमने की है कि चंबल से सिंचाई का पानी हम मनासा विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए। इसका सर्वे कराया जा चुका है, DPR बन रहा है और आने वाले 2-4 साल में ये योजना भी हम लेकर आएंगे। और मनासा लोकल की अगर अपन बात करें तो मनासा में क्या डेवलपमेंट सर आपके ऐसे रहे हैं जो लगता है कि कैलाश चावला के कार्यकाल में हुए हैं? देखिए, मनासा लोकल में जितने भी निर्माण के काम हुए हैं उनमें मेरा योगदान रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ का नगर पालिका भवन मेरे कार्यकाल में ही बना है और मेरी योजना से ही बना है। अभी हमने एक ऑडिटोरियम यहाँ बनाने का निर्णय किया जिसका निर्माण काम चल रहा है। यहाँ पर हमने एक तरणताल स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय किया है, वो काम भी यहाँ चल रहा है। हरा भरा मनासा हो इसके लिए पिछले 3 साल से हम वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान जन सहयोग से चला रहे हैं। यहाँ के स्कूल्स की बिल्डिंग्स भी हमने बनवाई है, तो ऐसे बहुत सारे काम हमने यहाँ पर भी किया। चावला जी, मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया और मैसेज आया बम्बई से, आसपास से नहीं आया। आपका कोई शुभचिंतक शायद बम्बई होगा, मुझे नहीं पता वो कौन है, उसने जो लिखकर भेजा है वो सवाल मैं आपको सुनाता हूँ और उस पर आपका उत्तर मैं चाहता हूँ। राजनीति के लंबे सफर में राजनेताओं के चेहरे पर उम्र दिखने लगती है, लेकिन कैलाश चावला वर्षों बाद भी जवां है, इस मुस्कान और चेहरे की ताजगी के पीछे कौन सा राज? ये मैंने नहीं, आपका शुभचिंतक बॉम्बे में। मुझे लगता है कि मेरा कोई शुभचिंतक मुझे बहुत अच्छे से प्यार करता है, उसने इसलिए लिखा है। पर मुझे काम करने में बहुत आनंद आता है और मैं अपने आप को इतना व्यस्त रखता हूँ कि मुझे बाकी बातों की कोई टेंशन नहीं रहती। और दोस्तों का इतना प्यार है, कार्यकर्ता को इतना प्यार है, जनता का इतना प्यार है कि आपको जानकारी होगी कि पिछले 4 वर्ष पहले मेरा लीवर का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जी। पर मेरे साथ इतनी दुआएं थी कि मैं फिर से ठीक होकर इस राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए जिंदा रखा है, तो मैं मस्ती से काम करता हूँ, आनंद में रहता हूँ, तनाव नहीं पालता हूँ, इसलिए जो कुछ आपकी नज़रें हैं वो दिखती है। और अगर आप मुझे प्यार से देखते हो तो मैं आपको हमेशा अच्छा ही लगूँगा, तो आप मुझे प्यार से देखते रहे, यही मेरा निवेदन आप सब लोगों से है। एक और आपका शुभचिंतक जो खरगोन में है उसने भी एक अच्छा प्रश्न मुझे व्हाट्सअप किया है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। चावला जी, आपको मालवा का अमिताभ कहा जाता है, क्या कारण है कि हर उम्र का कार्यकर्ता तो आपके साथ काम करना पसंद करता है? इसका भी राज क्या है? जैसे अमिताभ के बच्चन के साथ युवा भी काम करते हैं, सब काम करते हैं, वैसा आप अमिताभ हो मालवा के, ऐसा खरगोन वाले लिख कर भेजा है, तो ऐसा क्या है सर? मेरे को कोई गलत फहमी नहीं है, मैं कोई अमिताभ नहीं हूँ, पर बात ठीक है कि भगवान की मुझ पर इतनी कृपा है कि मुझसे हर कार्यकर्ता संतुष्ट रहता है, मेरे से प्यार करता है, मेरे साथ बात करता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बातों में कुछ संगठन की बातें मैं बता पाऊँ। मैंने जो कुछ वरिष्ठों से सीखा है वो उन तक पहुँचाने के प्रयास में जब करता हूँ तो उनको लगता है कि हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई गाइड है, इसलिए मुझसे वो स्नेह रखते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि राजनीति में सब तरीके के लोग होते हैं, पर आपके दोनों प्रश्न मेरे एक वेल विशर्स ने दिए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। चावला जी, वापस आते हैं मनासा पे। 2003 में आप यहाँ से चुनाव लड़े थे, मंत्री भी आप बने थे, 2008 में आप चुनाव हार गए, 2013 में पुनः चुनाव जीते, जो आपका ये कार्यकाल है इसमें लगातार आपने मनासा को इतना समय दिया कि पिछले कार्यकाल में कोई भी सत्ता पार्टी का विधायक हो या कोई भी नेता हो उसने इतना समय मनासा में नहीं दिया जितना समय आप मनासा में दे रहे हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मेरा मन यही रहता है कि अगर मुझे जनता ने विश्वास दिया है तो मुझे जनता के दुख दर्द में सम्मिलित होना चाहिए। और किसी भी विधायक की या राजनीति में कार्य करने वाले चुने हुए पदाधिकारी का दायित्व है कि वो हमेशा जनता के लिए उपलब्ध हो। और इसके लिए मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मुझे लगातार इस क्षेत्र में बने रहना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, दौरे करना चाहिए, विकास कराना चाहिए, लोगों के कठिनाइयों को सुनना चाहिए और उसको हल करने की कोशिश मुझे लगातार करना चाहिए। और इसी प्रयास में मैं लगातार यहाँ आता हूँ, जाता हूँ, रहता हूँ। और आप जानते हैं कि हमारे विपक्षी लोग कई बार ये भी कहते हैं कि ये बाहर के कैंडिडेट हैं, ये कहने वाला था आपसे, जो बाहरी मुद्दा है ना, तो
कांग्रेस में भी बात होती है तो कहीं बीजेपी भी ये सवाल खड़े होते हैं कि बाहर ही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात कांग्रेस में भी होती है? राजनीतिक दल की बात नहीं करता, पर कुछ लोग करते हैं जी। वो किसी भी दल के हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अगर मैं उपस्थित नहीं रहूँगा तो लोगों को कष्ट न हो, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँ, इसलिए मैं आता हूँ कि भाई उनको ये कहने का अवसर न मिले कि मैं बाहरी व्यक्ति हूँ, तो मैं इसलिए आता हूँ और मैं उनकी मदद भी करता हूँ, लोगों की हमेशा उपलब्ध भी रहता हूँ। तो ये करना मेरा नैतिक दायित्व भी है, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, मुझे जनता ने वोट दिया, मुझे जिताया, तो मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उनके बीच में बना रहा हूँ, इसलिए मैं आता हूँ। एक और सवाल मेरे व्हाट्सएप पर आया है अभी अभी, आपने अपने दत्तक पुत्र को तो स्थापित कर दिया मनासा विधानसभा क्षेत्र में, स्वयं के पुत्र को आप राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए, जैसे चाहे बात करें प्रहलाद पाटीदार देवान की बात करें, मनासा के मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, ऐसे अनेक ऐसे दत्तक पुत्र जिनको आपने यथावत स्थापित राजनीति में किया है बस। देखिए आपका प्रश्न ही गलत है। मेरा नहीं आया है सर, किसी जिसका भी आया है ये सब मेरे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, और जो अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो मेरा है। चूंकि मेरे पर कर्ज है, मेरे को भी किसी ने आगे बढ़ाया, तो पार्टी के इंटरेस्ट में जो कार्यकर्ता अच्छे काम करते हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको दायित्व देना, उनको समझाना, उनकी लीडरशिप खड़ी करना, ये एक सीनियर कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैंने किया है। जहाँ तक मेरे पुत्रों का सवाल है, मैं मानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कार्यक्षेत्र मंजूर है, वो काम करते हैं, वो अपनी प्रतिभा पर आगे जब बढ़ना चाहेंगे बढ़ेंगे। मैंने पुत्र के नाते किसी को स्थापित नहीं किया है, न दत्तक पुत्र के नाते, न पुत्र के नाते, मैं कार्यकर्ता के नाते उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे बेटों में योग्यता होगी, समय देंगे, तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ेंगे। 2018 एग्जाम है, तैयारी कैसी आपकी है? अगर शिवराज ने पुनः गांडीव आपके हाथ में दिया इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो क्या गांडीव उठाएंगे? देखिए जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, तो परीक्षा से वो विद्यार्थी घबराते हैं जो कुंजी पढ़ के पास होना चाहते हैं या रट कर पास होना चाहते हैं, जो निरंतर अभ्यास करते हैं, रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, रेगुलर क्लास में जाते हैं, तो उनको परीक्षा से कोई भय नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी की यह विशेषता भी है कि सत्ता में रहते हुए भी लगातार जनता में बनी रहती है, लगातार कार्यक्रम करती रहती है, लगातार विकास करती है, तो हमारा तो पेपर कभी भी लिया जाए हमको इससे कोई भय या डर नहीं है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस परीक्षा में पास होगी। अगर पार्टी मुझे आदेश देगी तो मैं निश्चित रूप से गांडीव उठाने को तैयार रहूँगा, और पार्टी अगर किसी अन्य मित्र को भी गांडीव थमाती है तो तर्कश में तीर भरने का काम और उसको जिताने का काम कैलाश चावला जरूर करेगा। जी जी चावला साहब, आप मैंने अक्सर आपको देखा है कभी जब अकेले में होते हैं तो आप गुनगुनाते रहते हैं, वो कौन सा गीत गुनगुनाते हैं या वो शेर गुनगुनाते हैं? मैं इंटरव्यू की समाप्ति को ले जा रहा हूँ। देखिए मैं कोई गुनगुनाता गुनगुनाता नहीं हूँ, पर मुझे कई बार ऐसा लगता है जो मैं कभी कभी शेर पढ़ देता हूँ जो आप मुझे कह रहे हो किसी कि उतार चढ़ाव है आपका शेर किसी को कहीं नहीं। मैं तो चाहूँगा वो अपने जीवन में शेर को वो भी उतारे, ये शेर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है और अपने प्रियजनों के और भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने को प्रेरित करने वाला है। वो शेर कुछ इस तरीके से है कि कोई तो है जो मेरे हक में दुआ करता है, कोई तो है जो मेरे हक में दुआ करता है, लोग डुबोते हैं मुझे और समंदर उछाल देता है। इसका मतलब यही है कि विपरीत परिस्थितियों में चाहे कितने भी दुश्मन खड़े हो जाएं और वो भले मेरे मोसर की बात करें, उपचुनाव की बात करें, किंतु ईश्वर की शक्ति ऐसी है कि किसी की दुआ ईश्वर के पास पहुंचती है और वो मुझे बचा के ले आता है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि पिछला चुनाव जब मैं लड़ा था तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स थी शारीरिक रूप से, तो उस समय भी मेरे बारे में प्रचार किया गया कि उपचुनाव होगा, मुसर हो जाएगा, काहे को वोट देते हो। फिर अभी मेरा एक्सीडेंट भी हुआ तो लोगों के मुंह से ये भी निकला, कुछ लोगों के मजाक में मैं कहता हूँ कि फिर बच गया साला, तो लोग
शुभकामना भी देते हैं, लोग राजनीति में ऐसी बातें भी करते हैं, अपना अपना विचार है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा मेरा यार दोस्त है, मिलने वाला है, मेरे प्रति सहानुभूति रखने वाला है, मेरा शुभचिंतक है, जो ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करता है। तो मैं ऐसी कठिनाई के दौर से भी निकल के आता हूँ। मेरा ईश्वर को भी धन्यवाद और इसे शुभचिंतक को भी धन्यवाद कि आपकी कृपा से मैं काम कर पा रहा हूँ, और आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई दी, मुझे मेरा इंटरव्यू लेकर आप लेने आए हैं। और आपको मैं आमंत्रित भी करता हूँ कि 14 तारीख मतलब हमारा जो जन्मदिन है मंदसौर में, हमारे कार्यकर्ता उसको पिछले 27 साल से मना रहे हैं, तो आप उसमें भी पधारे हैं। जो मेरे दर्शक सुन रहे सभी को करिए ना। नहीं, मैं दर्शकों को अलग से कहूँगा, दर्शकों को मैं अलग से कहूँगा। पहले आप चूँकि सम्मुख हैं तो मैं पहले आपको कह रहा हूँ, और बाकी सबको मेरा आग्रह रहेगा कि मेरे प्रति दुआ करें कि मैं अपने इस सेवा के कार्य में सफल होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं भी एक चार पंक्ति अटल जी को आपको सुना दो अगर आप कहें तो। हाँ, वेलकम वेलकम, है ना। ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, हर कण कण में शंकर है, हर नदी नदी में गंगा है। जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। और जब हमारी अस्थियां गंगा जल में प्रवाह करेगी, कान लगा कर सुनना, एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद चावड़ा जी। थैंक यू।